सबको पता है कि आज जो 5 सितंबर है, थर्ड फेज के लिए जो इलेक्शन है उसके लिए नोटिफिकेशन जारी करनी थी। हमने भी अपने असेंबली हल्का इंतखाब जो 5 हंदवाड़ा है उसके लिए आज 11 बजे नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस सिलसिले में सभी लोगों को इतला दी गई है, जैसे हमने नोट्स बोर्ड पर चस्पा कर दिया, हमने जहाँ पोलिंग स्टेशन है वहां चस्पा कर दिया अपनी नोटिस। सभी लोगों को इतला दी गई है कि अब यहाँ इलेक्शन होने हैं 1 अक्टूबर को, और उससे पहले जो है यहाँ नामजदगी के जो पेपर भरने हैं, जो बाकी प्रोसेस करनी है, वो आज से स्टार्ट होगी 5 सितंबर से और चलेगी 12 सितंबर तक। बीच में कोई अवामी तादिलात आती है तो उसको तो पता नहीं, जैसे आपको पता है। इसके साथ 13th को सिक्योरिटी होगी, जांच पड़ताल जिसको हम बोलते हैं, और 17th को विड्रावल का आखिरी डेट होकर के हमारा फाइनलिस्ट बनेगा, जिसके बाद आप सबको पता चलेगा कि असेंबली हल्का इंतखाब हंदवाड़ा के लिए कौन से उम्मीदवार मैदान में रहेंगे। जो आज हमारा प्रोसेस नोटिफिकेशन था वो बहुत खूबी अंजाम दिया गया। अवामी लोगों तक ये बात पहुंचाना हमें जरूरी है कि इस असेंबली हल्के के लिए भी नोटिफिकेशन जारी हो गया थर्ड जो है, और लोग फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म ले सकते हैं पहले यहाँ से, और उसमें चेक लिस्ट्स है वो हम दे देंगे, और जिस किसी भी तरह की फैसिलिटेशन नुमाइंदागान जो मुख्तलिफ जमातों पार्टियों के होंगे वो फैसिलिटेशन सेंटर खोले गए हैं, हमारे यहाँ भी खोला गया है, और उसमें हम लोग उनको फैसिलिटेट करेंगे कि कैसे किस तरह से कहाँ कहाँ टेक्निकल पॉइंट्स पे वो कैसे भरनी है चीजें, वो सारे सेट हमारे मौजूद हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा पोल होगा और एक अच्छा कॉन्टेस्ट होगा, डिस्प्यूटेड कॉन्टेस्ट होगा, पुरअमन कॉन्टेस्ट होगा। जैसे कि हमने देखा कि हमें एजाज ये हासिल है कि लास्ट में हमारी पार्लियामेंट्री जो इलेक्शन लास्ट हुए पिछले 2 महीने पहले, तो उसमें हमारी परसेंटेज 72.05 रही थी। तो अब की बार हम उम्मीद करेंगे कि हम आप सबका भी ये होगा, हम सब भी कोशिश कर रहे हैं कि 80-85 तक पहुंचना चाहिए, लोगों को जो आना चाहिए वोट डालने चाहिए, अपने अवामी नुमाइंदे असेंबली में देखने चाहिए। ये जो तमाम दिन जो खुले दिन हैं 5 से 12 तक, उसमें 11 बजे से 3 बजे तक फॉर्म दिए जाएंगे, उसके बाद फॉर्म की जांच पड़ताल वगैरह होती रहेगी, 3 बजे के बाद कोई फॉर्म नहीं लिया जाएगा, ये तो पता है। सिर्फ आखिर में हम ये देखेंगे फाइनल डे पे अगर कोई रश होता है तो उसमें एक सॉर्ट ऑफ टोकन सिस्टम का होता है, अदरवाइज बाकी दोनों में। और जो हमारे अवामी नुमाइंदे जिनको फॉर्म भरने हैं तो उनके साथ सिर्फ 4 लोग उनके साथ आ जाएंगे, प्रपोजर और 2-3 लोग और 4 लोग और, टोटल 5 लोग अंदर आएंगे, और उनकी गाड़ियां भी 100 मीटर पीछे से रह जाएगी, उसके आगे नहीं आ सकती है, क्योंकि ये अपना प्रोटोकॉल बना हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का और ऑफिस के लिए। हमारा जो और ऑफिस है आपने यहाँ देखा, इन सारे दिनों में हमें ऑथराइजेशन है, या तो मैं नॉमिनेशन ले सकता हूँ या हमारे असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर है नजदार साहब, वो नॉमिनेशन हासिल कर। ये सिलसिला आप देखेंगे, हमने कल ही एक बड़ा मेगा इवेंट कर दिया हायर सेकेंडरी में, कल ही मैं थर्ड डिग्री कॉलेज जलम में खुद बिलगाम में, इसी तरह से आप देखेंगे कि हर स्कूल में जो डीएम साहिबान हमारे डीओ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, उन्होंने भी हिदायत दी है सारे जडियो साहिबान को, वीडियो साहिबान को, कि हर दिन आप देखेंगे कोई ना कोई एक्टिविटी होगी, और एक मेगा एक्टिविटी हर रोज जारी रहेगी स्वीप के उसमें प्रोग्राम में, ताकि लोगों तक हम पहुंच जाए, सब तक पहुंच जाए। मैं आपको बताता हूँ वसूख से, आप जाइए कहीं भी किसी भी बच्चे से पूछे जो 18 साल का ऊपर है, उसने स्वीप का नाम सुना होगा, स्वीप के बारे में सुना होगा, और उसको इलेक्शन के बारे में बहुत सारी मालूमात है, आप ये देख सकते हैं। जैसे आपको पता है कि स्पेशल पोलिंग स्टेशन भी हैं, आपको पता है हमारे यहाँ पिछले दफा से थोड़ा जो है बढ़ोतरी हुई है वोटर्स में, अभी जो वोट डालेंगे हंदवाड़ा में वो 98,846 लोग होंगे, और इसमें कुछ 1-2 बढ़ोतरियां हो सकती हैं, लेकिन ये 98,846 लोग होंगे, जिसमें से 50,176 मर्द वोटर होंगे और 48,668 जो हैं वो हमारी ख्वातीन माए बहने होंगी जो वोट। इसी तरह से हमारे जो पोलिंग स्टेशन है वो अब 117 के बजाय 120 है, 3 पोलिंग स्टेशन हमने लास्ट टाइम के बाद से बढ़ाए हैं, क्योंकि वहां पे 1425-1420 के अलावा वोटर होते थे जो कंजेस्टेड होते थे, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की डायरेक्शन आई तो हमने उनको सेग्रीगेट किया, सेपरेट किया 2 में। इस तरीके से एक डुलीपोरा में पोलिंग स्टेशन हो गया, दूसरा राजपोरा में जो प्राइमरी स्कूल पहाड़ी मोहल्ला में आ गया, तीसरा वडीपोरा हायर सेकेंडरी स्कूल में 2 है ऑलरेडी, वहां हमने तीसरा ऊपर के एक बिल्डिंग में डाल दिया, जिससे कंजेशन कम होगी और वोटर्स को आराम से और आसानी से वोट देने का हक मिलेगा। जस्ट वन टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग पार्ट्स एवं मोबाइल एक्सेसरीज के थोक विक्रेता, हमारे यहाँ कुशल इंजीनियरों द्वारा हर प्रकार के सैमसंग, आईफोन, नोकिया, वीवो, एमआई, होनर, ओप्पो, मोटोरोला आदि मोबाइल की बेहतरीन रिपेयरिंग की जाती है। अब आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराएं विद ओरिजिनल पार्ट्स के साथ जस्ट वन टेलीकॉम।
प्लाजा के सामने मंडी चौराया मथुरा।